हम हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जहां चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ हैं मेजर वेद प्रकाश जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और त्रिपुरा के प्रभारी। सर, आप काफी लंबे समय से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देख रहे हैं, त्रिपुरा को भी देख रहे हैं, इस बार के चुनाव में क्या माहौल है सर? देखिए, मैं काफी जगह गया हूं त्रिपुरा में और काफी समय से जा रहा हूं, और मैंने देखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। उसका कारण यह है कि पिछले 20 वर्ष के अंदर ऐसा लगता है जनता को कि जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है अब थक गई है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसा शासन आए जो कि योजनाबद्ध तरीके से लोगों के लिए काम कर सके। लेकिन सर, जो लेफ्ट फ्रंट का कहना है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क किए हैं और कई तरह की नई चीजें स्कीमें की, गरीबों के लिए मदद की, आपका क्या मानना है, जो है क्या किया है इन्होंने? देखिए, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जनता को वो जो डेवलपमेंट है दिख तो नहीं रही। तो ऐसे में जनता चाहती है कि इस प्रकार का विकास हो जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले, एक गवर्नेंस एक अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी रहे और गरीबों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद हो। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बदलाव में कांग्रेस एक अच्छी सरकार दे सकती है। सर, जो एक और मेजर फैक्टर है कि जो पिछले काफी समय से जो मिलिटेंसी थी त्रिपुरा में वो अब काफी डाउन हो गई, इस चुनाव में मुद्दा नहीं है, इसको स्टेट और सेंटर दोनों की मिलकर के दोनों ने किया है, अभी क्या स्थिति सर लग रही है, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई है या है अभी? केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर अब धीरे धीरे मिलिटेंसी कम हो रही है और एक बार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो और कम हो जाएगी, क्योंकि मिलिटेंसी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में है और जब लोगों के पास काम करने के लिए होगा तो मिलिटेंसी की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाएगा। जो लेफ्ट फ्रंट की सरकार है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, वो जो विकास के काम करना चाह रहे थे या चाहते थे वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सोच नहीं है उनके पास। थैंक यू सर, थैंक यू।